जलती बुझती ट्रैफिक लाइटों की सिहर अंगेज दुनिया। तो चलिए आज हम बच्चों को ट्रैफिक लाइटों की अहमियत के बारे में बताएंगे। हम अपने नौजवान दोस्तों को ट्रैफिक लाइट्स की खूबसूरत दुनिया में खुश आमदीद कहते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे ट्रैफिक लाइट्स पर अमल करके हम महफूज रह सकते हैं। देखिए ये जलती बुझती लाइटें हमें क्या बता रही हैं? ये हमें क्या सिखाएंगे? हम ट्रैफिक लाइटों से सीखेंगे कि उन पर अमल करते हुए हम कैसे महफूज रह सकते हैं। हम यहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स और रोड सेफ्टी के उसूलों पर अमल करने की अहमियत के बारे में बताएंगे। मैं हूँ सुर्ख लाइट, मेरे रोशन होने पर अब रुक जाएं। मैं जर्द लाइट हूँ, मेरे रोशन होने पर रुकने अचलने के लिए तैयार हो जाएं। मैं हूँ सब्ज लाइट, मेरे रोशन होने पर अब चलेंगे। दोस्तों याद रहे कि अपने लाइट सुर्ख होने पर रुकना है, जर्द होने पर रुकने अचलने के लिए तैयार रहना है और सब्ज होने पर चलना है। बच्चे मुशाहिदा कर रहे हैं कि ट्रैफिक लाइट्स हकीकी जिंदगी में कैसे काम करती हैं। वो कार लाइट सुर्ख होने पर क्यों नहीं रुकी? वो एक गैर मोहतात ड्राइवर है। आओ उसे ट्रैफिक लाइट की अहमियत के बारे में बताएं। देखें, ट्रैफिक लाइट्स अपने मखसूस तरीका कार के जरिए गैर मोहतात ड्राइवरों को कैसे रुकने और चलने का इशारा देती है। वो ट्रैफिक लाइट चेंज हो गई है, मुझे रुकना चाहिए। बहुत खूब, हमने एक ड्राइवर की मदद की है जिसने इशारों की अहमियत को समझा और उस पर अमल किया है। हमारी मुहिम जोई जारी है। अब हम पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, जहां पैदल चलने वाले और गाड़ियां गुजरती हैं, इनको देखेंगे। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पर हाथ के सुर्ख इशारे का मतलब है कि रुक जाए। और जब सफेद रंग में चलता हुआ आदमी नजर आए तो गुजर जाए। ट्रैफिक लाइट्स अपने मखसूस निजाम को बरोए कार लाते हुए सिग्नल्स को हम आहन करती हैं, ताकि पैदल चलने वालों के लिए महफूज क्रॉसिंग को यकीनी बनाए, जिससे ऐसा लगता है कि वो डांस कर रही है। बच्चे लाइटों की वजह से महफूज ट्रैफिक का नजारा कर रहे हैं। ट्रैफिक लाइटों पर अमल करते हुए हम हर किसी के लिए सड़कों को महफूज कर सकते हैं। बच्चों, हमने आपको जो महफूज सफर की हिदायत फराहम की हैं, उनको भूलना नहीं। बच्चे ट्रैफिक लाइटों को खुदा हाफिज कहते हुए ट्रैफिक लाइट्स हमें रोड सेफ्टी के बारे में बताने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। घंटी का बटन दबाने से आपको आने वाली वीडियोस की इत्तला मिलती रहेगी।